हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी को अपना घर का मंदिर दिखाऊंगी कि हमारे घर के मंदिर में कौन कौन से भगवान हैं, और आप लोग पूरा वीडियो देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि आज मैं अपने भगवान से मिलवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप दर्शन कीजिए, हमारे ठाकुर जी से मिलिए। ये देखिए हमारे ठाकुर जी हैं, ये सबसे पहला दर्शन ठाकुर जी से शुरुआत करिए। देखिए ठाकुर जी को नहला वहला के कपड़े उपड़े पहना के तैयार करके मैं यहाँ पे इनको वो तुलसी का भोग लगाई हूँ, और ये मिश्री का भोग लगाई हूँ, मिश्री जल और केले का भोग लगाई हूँ, और इधर अंगूर का भी भोग लगाई हूँ। और दोस्तों, ठाकुर जी के बगल में राधे कृष्ण जी हैं, जो कि बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और इधर हमारे देखिए श्री राम जी हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको अपने महादेव से मिलवाती हूँ। ये रहे हमारे महादेव जी, देखिए। तो हमारे महादेव जी आपको कैसे लग रहे हैं? और उनकी सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि मैं सबसे पहले आपको मिलवाती हूँ, ये नीचे कौन है दिखाती हूँ। ये हैं हमारे कुबेरेश्वर महादेव। मैं गई थी सीहोर मध्य प्रदेश, तो जैसा कि आपने कथाओं में सुना ही होगा, पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि सीहोर मध्य प्रदेश जब भी कुबेरेश्वर धाम जाएं तो 5 कंकर की पूजा करते हैं। वहां से 5 कंकर उठा लीजिए और पूजा करिए, उसमें से 1 कंकर अपने घर लाना चाहिए, घर के मंदिर में रखना चाहिए, नित्य पूजा अर्चना करना चाहिए। तो ये हमारे कुबेरेश्वर महादेव हैं, इनको भी मैं पूजा पाठ करके अच्छे से तैयार करके और बेलपत्र चढ़ाई हूँ और भोग भी लगाए हूँ इधर केले का। और ये महादेव जी हैं हमारे, महादेव जी को भी बेलपत्र समीपत्र पुष्प जो हमसे डेली मिल जाता है, हमें मिल जाता है, वो हम करते हैं। देखो समीपत्र गिरने वाला है। तो ये हमारे महादेव जी हैं, और ये भी हमारे महादेव जी हैं। ये हम गए थे हरिद्वार, जब तो हरिद्वार से लेके आए थे, हरिद्वार से भी लाते हैं। वहाँ पे जैसा कि मैंने वीडियो में दिखाया ही था कि पानी रोक दिया गया था, तो मैं खूब प्यारे प्यारे से 5 शिवलिंग लाई थी। तो कहते हैं लोग कि मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितनी जानकारी उतना बता रही हूँ कि लोग कहते हैं 3 और 5 एक जगह नहीं रखना चाहिए, तो मैं 2 यहाँ पर रखी हूँ और बाकी बेलपत्र के नीचे रखी हूँ, और बेल वृक्ष के नीचे रखी हूँ और समी पत्र के नीचे रखी हूँ। मतलब इकट्ठा 5 या 3 नहीं रखते हैं, बस यही बात है। और तो देख दोस्तों, आप लोगों को हमारे भगवान जी कैसे लग रहे हैं? उसके बाद मिलिए हमारे हनुमान जी से। ये देखो हमारे हनुमान जी, और ये हमारे लक्ष्मी गणेश कुबेर, जो कि लक्ष्मी दीपावली पे लोग पूजा करते हैं, तो बहुत लोग विसर्जित कर देते हैं उसी समय, लेकिन मैं नहीं करती, मैं पूरे साल इनकी पूजा करती हूँ। जब अगली दीपावली आती है तो नया मूर्ति लाती हूँ, तब इनको हटाती हूँ, विसर्जित करती हूँ। तो ये हमारे लक्ष्मी गणेश और कुबेर जी हैं। और उसके बाद मैं गई थी वैष्णो माता। फ्रेंड्स, वैष्णो माता गई थी 2022 में, तो वहाँ से भी मैं माता को लेके आई थी वैष्णो माता। देखो इसमें पिंडी स्वरूप में तीनों माताएँ बैठी हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। जय माता दी। और ये माँ शेरावाली हैं, शेरावाली सबके मंदिर में रहती हैं। जय माता दी। और ये बाबा का स्वरूप है, भोले बाबा, माता पार्वती, सब परिवार सहित यहाँ पे है बाबा, तस्वीर है। और इधर विश्वकर्मा जी हैं, और इधर स्वामी नारायण मंदिर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में स्थित हैं। तो वहाँ मैं गई थी अक्षरधाम मंदिर में, तब यहाँ लेके आई थी। और ये मंदिर में कछुए, इनको तो ज़रूर रखते हैं, कहते हैं कि मतलब मंदिर में रखने से घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है, तो ज़रूर रखना चाहिए। ये मेरी एनिवर्सरी पर हमारी जेठानी ने हमें गिफ्ट किया था। और बाकी हमारे मंदिर में ये देखिए, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, ये बाबा बैजनाथ का, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ तो वहाँ वहाँ से तस्वीरें ज़रूर लेके आती हूँ। तो ऐसे ही सारे भगवान हैं। और ये इस तस्वीर में चमत्कारी तस्वीर है फ्रेंड्स, इसमें 3 भगवान नज़र आते हैं। ऐसे थोड़ा करेंगे तो गणेश जी दिखेंगे, देखो गणेश जी दिख रहे हैं, फिर ऐसे थोड़ा सा करेंगे तो लक्ष्मी माता दिखेंगी, फिर ऐसे करेंगे तो माँ सरस्वती भी दिखेंगी। इस फोटो की यही खासियत है। ये हम गए थे वहाँ, हम नहीं गए थे, हमारे हस्बैंड गए थे कलकत्ता, तो वहाँ से लेके आए थे ये। और
तो फ्रेंड्स ये रही हमारे पूरे मंदिर का भ्रमण, और मेरा मंदिर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी ये पूजा की थी मैं, तो अभी दिया बुझा नहीं है। तो दोस्तों अपने मंदिर के मैं दिखाती हूँ कि क्या आप भी अपने मंदिर में पूजा करते हैं, तो आपके मंदिर में जो दिए होते हैं उसमें फूल बनता है। तो लोग कहते हैं बहुत, मतलब कथाओं में मैं सुनी हूँ कि जिसके दिए में फूल बनता है तो समझ लो उसकी पूजा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, भगवान तक वो पहुँच रहा है। तो हमारे भी दिए में देखिए, ध्यान से देखिए, फूल बन रहा है दोस्तों। तो प्रभु की कृपा है कि बाबा तक हमारी विनती सुनी जा रही है। और इधर देखिए पूरे मंदिर का लोकेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, ये रहा पूरे मंदिर का लोकेशन, आप सबको दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से लगता है हमारे मंदिर का लोकेशन। सभी भगवान हैं और सभी भगवान की हम पूजा करते हैं, और सबसे ज़्यादा लगाव अगर किसी से है तो इस समय हमारे महादेव जी से है, क्योंकि हमारे सारे दुखों को, एक कष्ट मेरे सारे दुखों को, तकलीफों को दूर करते हैं। और हमें जब भी कोई दिक्कत परेशानी आती है हम बाबा के सामने आके कहते हैं, रोते हैं, तो वो हमारी ज़रूर सुनते हैं। तो बाबा पे बहुत ही ज़्यादा भरोसा है। तो बाबा पूरे विश्व की रक्षा करना, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी चीज़ से दुखी है, तो सबकी रक्षा करना बाबा। और इधर बाकी पूजा, डेली पूजा की जो हमारी सामग्री जितनी हमें ज़रूरत होती है वो है। और इसमें हमारे कान्हा जी का, सिर्फ इसमें कान्हा जी का कपड़ा है और कुछ भी नहीं है। और ये रहा शिव पुराण, जब हमें टाइम मिलता है कभी तो हम पढ़ते हैं। दोनों अध्याय है इसमें, फर्स्ट सेकंड दोनों हैं। तो रोज़ तो टाइम नहीं मिल पाता फ्रेंड्स, लेकिन जब भी मिलता है तो मैं 2-3 अध्याय पढ़ लेती हूँ। और ये हमारे क्यूट बेबी है दिव्यांश, मेरा बाबू। और उधर मैं, मतलब घर का लोकेशन तो आपको क्या दिखाऊं, बहुत सारा है फोटो, पर ये देख लीजिए दोस्तों। अगर आप लोगों को भी शिवपुराण पढ़ना है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम देंगे। शिवपुराण पढ़ना चाहिए, जितना पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं अपनी कथा में, शिवपुराण में हर चीज़ लिखा हुआ है। आप पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। और ये मेरे मंदिर का लोकेशन आप लोग लास्ट देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग को हमारा यह मंदिर कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, अपनों के साथ शेयर करना। मिलती हूँ आप सभी प्रिय भक्तों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। जय ठाकुर जी से मिल लीजिए एक बार और आप लोग, कान्हा जी सबको आशीर्वाद दे दीजिए। हमारे जितने भी भक्त आपको देख रहे हैं सबको आशीर्वाद देना, और सबके दुखों का निवारण करना, और सबके घर में खूब धन दौलत वैभव बारिश हो, ऐसी कृपा करना, ऐसी करुणा करना। जय कान्हा, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।